म्यूजिक की बीट्स, ड्रम की बीट जो है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 7 बज चुके हैं जी। 7 बजे का मतलब है टॉस किसी भी वक्त होने वाला है, लेकिन फटाफट श्वेता इनको बता दें कि जो पिच रिपोर्ट है उसमें बड़ी बड़ी बातें क्या निकल कर आई। जी, पिच की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कुछ देर पहले। भारतीय स्पिनरों के लिए अच्छी खबर, उसके रंग को देखकर ही पता चल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी भी आश्वस्त दिख रहे थे जब उस पिच को देख रहे थे। वो घास नहीं है विकेट पर, यानी कि एक फ्लैट विकेट है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट तो नहीं मिलेगी, और दरारें भी दिख रही थी विक्रांत वहां पर, यानी कि उससे स्पिनरों को फायदा होने की पूरी उम्मीद। अगर है ऐसा तो फिर भारत के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल अच्छी खबर है, बट डिपेंड होता है विकेट कितनी ब्रेक होती है और कितनी स्लो है, कितनी स्लो है और कितनी ब्रेक होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम अगर टॉस जीतेंगे, जैसे विकेट की रिपोर्ट बता रही, तो मैं समझता हूँ कि हम मोस्टली धोनी बैटिंग करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जब सेकंड जब खेलेंगे तो और विकेट स्लो हो जाएगी, तो हमारे लिए अगर जैसा कि रिपोर्ट कह रही है बॉल टर्न होगा, स्लो होगा, तो उसमें हमें फायदा नहीं रहेगा। मैं नहीं समझता हूँ इतना ज्यादा ओस गिरेगा अभी, ऑलरेडी आई मीन मार्च, मिडिल ऑफ मार्च हो गया, तो मैं उतना ओस ज्यादा वो नहीं दूंगा। अगर होगा तो दोनों टीम के लिए तो हमेशा ही मशहूर रही है उतना नहीं, मेरे ख्याल में इतना ओस तो फैक्टर आप लेके अगर चल नहीं सकते, क्योंकि विंटर का जमाना नहीं, अब समर आ चुका है ऑलरेडी। मदन जी आधा घंटा रह गया, नहीं आधा घंटा रह गया, हम 3 घंटे से बैठे हुए आज तक के स्टेडियम में, लेकिन हमने तो एक मैच खेल लिया पूरा। अब और नहीं, 3.5 घंटे का मैच होता है, सब शुरू हो रहे हैं। पर ये जो जितनी भी प्रतिक्रिया आई है विकेट्स के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी न्यूज है भारत के लिए। क्योंकि देखो, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी टर्न करता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टर्न मैं एक्सपेक्ट नहीं करता 2020 मैच में, पर वो एडवांटेज भारत को ही रहेगा। पर जैसे अजहर ने कहा कि अगर ऐसा विकेट है तो मेरे को लगता है कि धोनी शायद टॉस जीतकर बैटिंग भी कर सकता है, क्योंकि फिर वो ऐसा चांस नहीं देगा दूसरी टीम को कि जहां पे स्लाइटली गेंद टर्न भी कर जाए तो अपने खुद के ऊपर जरा हैवी हो जाए, तो वो ऐसा चांस नहीं लेगा। और बल्लेबाज के तौर पर वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहला मैच है, वो पहले 10-12-15 मिनट इंपॉर्टेंट तो रहते हैं, आपकी सांस है। भारत को रन बनाने हैं, विकेट जैसा मर्जी हो, स्पिनर को मदद मिले ना मिले, लेकिन बोर्ड पर रन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टॉस जीते, मैं तो सोच रहा हूँ जिस तरीके की विकेट है ये, टॉस जीतो पहले बैटिंग करिएगा और उसके बाद आप 160-170 के आसपास आप स्कोर लगा देते हैं। क्योंकि जैसे मैं क्रैक देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी विकेट बनवाता हूँ कोटला में, तो क्रैक जब छोटे होते हैं इसका मतलब आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है, और जब क्रैक बड़े बड़े क्रैक होते हैं इसका मतलब आप जो बेस है आपका बहुत हार्ड है, जैसे और फिर पर्थ में होता है। जब पर्थ के ऊपर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर विकेटें होती है, तो यहाँ पर जो क्रैक दिख रहे हैं वो छोटे छोटे क्रैक दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं होगा और बॉल थोड़ी घूमेगी भी, वो भारत के लिहाज से बिल्कुल भारत के लिए मैं समझता हूँ फायदेमंद होगा। और 2020 के गेम में हम टॉस से वाकई फर्क भी कितना देख सकते हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से अजहर भी कह रहे हैं कि ओस उतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा, 20-20 ओवर में हम कितना ज्यादा उसमें उम्मीद कर लें, क्योंकि अगर टीम इंडिया यहां पर किसी भी तरीके से उतरती है मैदान पर तो इस पिच को देखने के बाद तो पलड़ा हमारा ही हावी दिख रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है, थोड़ी सी विकेट जो है आप जब 2020 का यदि हम लगा देते हैं तो एक तरीके से मान के चलो कि आप डेढ़ घंटा पौने दो घंटे जो है वो चले जाते हैं, 1.5-2 घंटे के बाद हल्की सी हो सकता है बाद में जो है विकेट थोड़ी और धीमी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो नहीं पड़ता है 2020 के मैच। अच्छा भाई, 3 स्पिनर वाला विकेट है अभी तो, खैर हम जो देख रहे हैं या जो फिर वहाँ से पिच रिपोर्ट आ रही है, क्या 3 स्पिनर वाली विकेट है? देखिए अगर 3 स्पिनर वाली विकेट भी रहेगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि धोनी यहाँ पे उतना चेंज करेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो प्लेयर्स और टीम है उनकी परफॉर्म कर रही है, पांड्या भी एक्स्ट्रा बैट्समैन भी है, पांड्या बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं और उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे इतना टीम में कोई चेंज रहेगा। टॉस होने वाला है ये टीम जाते हुए जी, जब खिलाड़ी जा रहे थे, हालांकि अब बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि जो खिलाड़ी निकलते हैं तो सुरक्षा और जो बाकी फैंस की मौजूदगी होती है उसे देखते हुए। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा। अच्छा टॉस, न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करेगा, और जो हम पिच रिपोर्ट आपको बता रहे थे हल्के हल्के क्रैक्स हैं, विकेट लगता है कि एक टिपिकल भारतीय विकेट होगा, थोड़ा स्लो होना चाहिए, स्पिनर का गेंद घूमना चाहिए, लेकिन भारत पहले गेंदबाजी करेगा। तो हम यही प्रतिक्रिया ले लेते हैं तीनों से, न्यूजीलैंड की बैटिंग। मदन जी, नहीं नहीं, हमें अदर से मैं अभी बात कर रहा था कि अगर न्यूजीलैंड ने टॉस जीता तो वो बैटिंग ही करेगी, वो चांस नहीं लेगी सेकंड इनिंग में, अगर थोड़ा सा भी गेंद टर्न करता है उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। अब वो खाली स्कोरबोर्ड के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, और फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं जहाँ पे अभी 5-7 ओवर गेंद को इतना थोड़ा बहुत सीम करे या ना करे, ये इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक और सवाल है सर भाई मेरे से कि जब टूर्नामेंट का पहला मैच होता है और नर्व्स हो, आप कह ही नहीं सकते कि वो नर्व्स आपकी जो है वो सेटल्ड नहीं होंगे, सेटल्ड होंगी,
क्या भारत के पास ये मौका है? मैं उल्टी तरफ देखूं कि पहले 15-20 मिनट में न्यूजीलैंड पर हमला बोला जाए, उनके खिलाड़ी पता नहीं इन कंडीशंस में अपने आप को किस तरह से ढालते हैं, शुरू शुरू में वो नर्वसनेस रहती है, टेंटेटिव रहते हैं। नहीं देखिए, जो हमारे जो बॉलर हैं, दो विकेट मिल जाए, जो नेहरा और जो बुमराह जो भी पहले ओपनिंग बॉलिंग करेंगे वो अटैकिंग बॉलर थे और वो विकेट के लिए ही जाते हैं। ऐसा कोई कंटेन नहीं करता है बैट्समैन को। जो नेहरा एक अटैकिंग बॉलर है, उसका बुमराह भी अटैकिंग बॉलर है, जहाँ पे वो विकेट लेने के लिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जितना विकेट जल्दी लेते जाएंगे, अगर जल्दी जल्दी आप विकेट लेते जाएंगे, अगर पार्टनरशिप नहीं बनने देंगे तो इतना लंबा स्कोर रहेगा, क्योंकि आपको कम रन चेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि भारत को यहाँ पे जितना ज़्यादा रन रेस्ट्रिक्ट करेंगे और जितना अटैक करेंगे तो मैं समझता हूँ भारत के लिए फायदेमंद है। चेतन जी, इंडिया जैसी टीम के लिए नर्व्स की बात रह गई है, क्योंकि आप अपने घर पे खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जीत चुके हैं, आप न जाने कितने टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंच गए हैं जिसमें वर्ल्ड कप इंक्लूडेड है। देखिए, नर्व जहाँ के बाद जो मैं कह रहा था कि अब नर्व मैं कहूँगा कि बिल्कुल अभी तो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि आप पहले फील्डिंग कर रहे हैं, पहले बैटिंग आती है तो फिर जो ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग करने के लिए जाता है वो थोड़ा सा जरा सा असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज जो भारत को हो जाएगा कि 20 ओवर आपको फील्डिंग करनी है, जो बैट्समैन है खास करके जो ऊपर के बैट्समैन उन्होंने देख लेते हैं कि विकेट किस प्रकार की है, खेली कैसी है, फास्ट बॉलर के लिए कैसी खेली, स्पिनर के लिए कैसी है, तो वो जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है बैटिंग सेकेंड करने में हो जाता है। फिर ये जाता है कि आपके पास टारगेट क्या है, उसके हिसाब से आप बैटिंग जो है उसकी प्लान भी कर सकते हैं। ये है न्यूजीलैंड ब्लाइंड है इस वक्त, ठीक है, एक अच्छी बात है, आपने टॉस जीता, आप बेहतरीन कंडीशंस में बैटिंग करने जा रहे हैं, आपके सामने स्लेट जो है खाली है, लेकिन खाली होने का कोई नुकसान भी होता है कि आपको पता नहीं कि ये 200 का विकेट है, 220 का विकेट है या फिर 150 का विकेट है। नहीं देखिए, अगर आप रनों की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि 150 या 60 रन सेव नहीं है इंडिया में, नहीं है, भले वो वर्ल्ड T20 कुछ भी हो, 81-80 है वो जीतने वाला स्कोर है, 150-60 फाइटिंग करने वाला स्कोर है, यहाँ पे रन बनते हैं, आउटफील्ड भी आपको पता है कि कितनी तेज रहती है, पर एक बाउंड्री भी छोड़े, एक एडवांटेज जो आप बात कर रहे थे अजहर और चेतन, देखिए हमारी बैटिंग लाइन बहुत लंबी है तो वो चेज करने में फायदेमंद रहती है, ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, अगर जितने भी रन बनाए आपको, लेकिन बैटिंग लाइनअप उनकी भी लंबी है और आखिर में बिग हिटर्स भी उनके बहुत ज्यादा नहीं, बट देखिए, पर ये डिपेंड करता है ना रन कितने बनाते हैं, अगर वो रन इतने ज्यादा नहीं बनाएंगे तो भारत के लिए काफी एडवांटेज है, 150-60 मैं समझता हूँ कि भारत ये वो तो इसी टारगेट को लेकर उतरेंगे 100%, वो मेरे ख्याल में इतने टारगेट को तो नहीं लेके उतरेंगे न्यूजीलैंड, मैं समझता हूँ वो 180 के करीब उनके दिमाग में होगा, बट लेकिन देखिए इतना जल्दी खेलना, अगर आप जैसा खेलते हैं जैसे उसके बाद ही आप एक स्कोर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट लेकिन अगर आप कहेंगे कि पहले मैं 200 रन से जाऊंगा तो बिल्कुल वो हो नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल आपको खबर एक बार फिर दे दूं आपको कि न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगा, लेकिन धोनी ने ये कहा है, धोनी ने कहा है कि टॉस हारने का नुकसान नहीं है मेरी टीम को, भले ही मैं पहले बल्लेबाजी करना चाहता था लेकिन हम चेज करने में उतने सक्षम है। दूसरी बात, भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है, वही 11 खिलाड़ी जो एशिया कप जिता कर आए थे, यानी कि 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक बड़ा या तो गैम्बल लिया है या फिर शॉकिंग न्यूज है या फिर स्पिनरों पर ज्यादा गैम्बल लिया है, बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट और टीम सऊदी, जो कि दोनों आईपीएल में हीरो है, दोनों ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था, दोनों ड्रॉप है आज, टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, जिनसे भारत के बल्लेबाज थोड़े से डरते, वो दोनों ड्रॉप हो गए हैं आज। नहीं देखिए, मेरे ख्याल में वो लोग भी कोई कॉम्बिनेशन सोच के समझ के ही क्या होगा, बट लेकिन मैं समझता हूँ कि दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं तो मेरे को भारत को बिल्कुल खुश होना चाहिए इससे कि उनके दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो अच्छा बॉलिंग करते हैं, जो स्विंग करते हैं, जो विकेट लेने के काबिल है वो नहीं खेल रहे, तो हमारे लिए तो एडवांटेज है, तो हम इसमें इतने ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, ये तो उनका प्रॉब्लम है, उनकी टीम का, वो विदेशी टीमें ज्यादा पढ़ भी लेती है कि स्पिनर उतार दो भारत के मैदान पर, और यहाँ पर वो भी हो सकता है पिच के उन क्रैक्स को देखने के बाद, नहीं देखिए मे भी हो सकता है, पता नहीं किसे इंक्लूड किया है उन्होंने अपनी टीम में, ये तो इंडियन टीम हम फिलहाल देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है उम्मीद के मुताबिक, और ये सही है कि पहला मैच है और जैसे धोनी का एक अंदाज, वो ज्यादा रिस्क लेते नहीं, आशीष नेहरा, बुमराह और हार्दिक पांड्या, अब नहीं और हार्दिक पांड्या, ये 3 तेज गेंदबाज भारत ने खिलाए हैं और इन तीनों को तेज गेंदबाज कहें तो गलत नहीं है, इनमें से कोई मीडियम पेसर नहीं है कि 122-125 पे डालता है, ये 140 से ऊपर तीनों डाल लेते हैं। और अब जो सरप्राइज होगा मदन जी, वही विक्रांत जो बात कर रहे थे, सरप्राइज सिर्फ बॉलिंग ऑर्डर को लेकर, बिल्कुल नहीं, देखिए ये बैलेंस बॉलिंग अटैक है, आपको 3 पेसर चाहिए ही चाहिए इस विकेट्स के ऊपर, आप क्योंकि आपके पास बैकअप बॉलर है, सुरेश रायना और युवराज जो है वो बैकअप है, तो आपके पास चॉइस है, तो अगर आप सिर्फ 2 पेसर खिलाते हैं तो अगर एक को मार पड़ जाती है तो आपका एक एंड खाली हो जाता है, ये कम से कम एक ऐसा हार्दिक पांडे जो है 140 और उसका शॉर्ट पिच बॉल जो बाउंसर मारता है सबसे ज़्यादा तेज़ उसका गेंद जाता है शॉर्ट पिच,
और सरप्राइज है उसके उसके बॉल में। और एक चीज बोला था, जब युवराज भी अगर जब बॉलिंग करते हो एक विकेट टेकिंग बॉलर है वो, आप कभी भी आप युवराज अगर डालते हैं बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि उनको ज्यादा लोग पिटाई करते हैं, बट लेकिन जब भी डालते हैं तो एक गोल्डन आर्म जो आप कहते हैं जो बाद बॉलर होते हैं, जब जो भी विकेट, जैसे दादा के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी बॉलिंग करते तो एक आध विकेट तो ले ही लेते, तो मैं समझता हूँ युवराज को उस जगह पे रखूंगा मैं, और उनको भी मौका अगर मिलेगा तो बॉलिंग दलाना चाहिए क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर अगर कभी ऐसा ज्यादा रन बन गए तो शायद, क्योंकि नए बॉलर है, क्योंकि बहुत से प्लेयर तो खेले ना और बिल्कुल यहाँ से नजदीक ऐसे डालते हैं तो ज्यादा ऊपर आम नहीं, तो इतने यहाँ से जब बॉलर करता है बहुत मुश्किल होता है। नहीं अब एक एक सवाल रह गया, पता नहीं वो जो मिस्ट्री की बात कर रहे थे अभी तक, तो धोनी ने वो बॉक्सेस सारे वही टिक किए जो उनसे उम्मीद थी, वही 11 है, वही सब कुछ है, क्या अश्विन से या किसी स्पिनर से शुरुआत आप कर सकते हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो विकेट कैसे रीड कर रहे हैं, और यदि उनको लग रहा है कि हो सकता है बॉल थोड़ी सी घूमने वाली है तो अश्विन के साथ शुरुआत भी कर सकते हैं, और क्योंकि उन्होंने शुरुआत की हुई है और सक्सेसफुल भी रहे हैं तो इसलिए शुरुआत भी कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ उसमें कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है या जो अधिकतर टीम है वो लोग जो मीडियम पेसर्स या फास्ट बॉलर्स के आदि है, वो पहली बॉल से स्पिन खेलना उनके लिए थोड़ा सा अजीब लगता है, तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट भी उनके लिए हो सकता है। श्वेता, और एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे जहन में भी है, अजहर भाई से ये सवाल करूंगा, हम सब अश्विन स्पिन की बात कर रहे हैं, स्पिनर से शुरुआत करवानी भी हो तो युवराज कैसा आइडिया है, जिसका गेंद आप बल्लेबाज टर्न के लिए खेले लेकिन ज्यादा अंदर ही आएगा, नया बॉल, एक और सरप्राइज पर भी सरप्राइज, ये बहुत ये सरप्राइज तो मैंने समझता हूँ होगा कि मैंने गैम्बल हो सकता है, सरप्राइज तो नहीं हो सकता, बट लेकिन मैंने समझता हूँ कि वो पहला ओवर युवराज से कराएंगे, बट लेकिन धोनी एक अलग टाइप के आदमी है, जब वो खुद विकेट कीपिंग ग्लव्स छोड़ के अगर बॉलिंग करते तो शायद ये भी आगे, आजकल थोड़ा सेफ खेल रहे हैं तो लग रहा है कि देखिए अश्विन से कराने का फायदा क्या है, अश्विन गेंद को नए गेंद को टर्न कर देता है और जो कैरम बॉल बाहर निकालता है उसमें बैट्समैन को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आसान होता है उनको खेलने के लिए, बट लेकिन सबसे ज्यादा सेमी वो अश्विन के की बॉलिंग सही होगी जहां तक की बात को बात बढ़ाते हुए। देखिए क्या होता है अश्विन का, क्या जो तकलीफ देता है बैट्समैन को, ये देता है कि एक आधा बॉल स्पिन होता है और एक आधा बॉल सीधी चली जाती है, तो फिर नई बॉल क्योंकि गिरने के बाद थोड़ी स्किड करती है और वो बॉल जो सीधी निकलती है वो बॉल उनकी जो है खतरनाक होती है। फटाफट खबरें बताएं, खबर ये है कि न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रहा है, टॉस वो जीते हैं, टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दो बेहतरीन तेज गेंदबाज बाहर हैं, बाहर है क्योंकि न्यूजीलैंड तीनों स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, इससे लग रहा है कि न्यूजीलैंड के नर्व्स शायद ज्यादा हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कुछ भी करके यहां पर जीत हासिल कर रही है, इसीलिए शायद पिच को देखकर जो सबसे पहली परख हमारी थी कि ये स्पिनर्स के लिए फेवरेबल होगा वो पहले से देखकर फैसला कर चुके थे कि भाई हमें तेज गेंदबाज नहीं खिलाने भले कितना अच्छा प्रदर्शन रहा हो इंडिया के अगेंस्ट। बिल्कुल, और अजहर भाई अभी पता नहीं लेकिन उम्मीद के मुताबिक एक सेंटेनर होंगे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ईस्ट सोडी राइट आर्म लेग स्पिनर है और मैकलम राइट आर्म ऑफ स्पिनर, तीनों तरह के स्पिनर्स को खिला लिया उन्होंने। देखिए बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मैं कभी नहीं सोचा था कि वो तीन स्पिनर को खेलेंगे, बट लेकिन मेरे को लगता है कि विकेट शायद इतनी ड्राई होगी या इतनी जहाँ पे वहाँ पे बॉल ग्रिप करेगा, इसी वजह से मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ रीजन है कि उनको खिलाएंगे, मे भी एक भारत के लिए सरप्राइज भी होगा क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि कोई हमारे फास्ट बॉलर खेलेंगे, बट लेकिन स्पिनर खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ देखिए जो भी टीम खेल रही भारत को उसका सामना करना पड़ेगा, और हम अच्छा स्पिन तो हम अच्छा खेलते हैं बट लेकिन जहाँ पे बॉल टर्न होता है वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा हमें मुश्किल होती है, बट लेकिन अगर विकेट थोड़ी भी स्पिन नहीं होगी तो न्यूजीलैंड के लिए ये जो तीन ये डिसीजन है बैकफायर हो सकता है। ये मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं श्वेता, एक सिग्नल ये कि एक टीम जो कि विदेशी टीम है अपने बेहतरीन तेज गेंदबाजों को बाहर बिठाकर तीनों स्पिनर्स को खिला रही है, दूसरा ये जो धोनी ने टॉस हारने के बाद कहा कि ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब पता नहीं कौन विकेट को ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है, और कहीं क्योंकि उनके पास पार्ट टाइम स्पिन ऑप्शंस नहीं है जो हिंदुस्तान के पास, ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। भारत ने अपनी हूबहू वही टीम रखी है जो कि एशिया कप में हमें फाइनल में नजर आई थी, व्हाई चेंज समथिंग दैट इज नॉट, व्हाई फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन, तो बस अब कुछ लम्हों में मैच की शुरुआत होने वाली है, हमारी पैनी नजर रहेगी तो आपसे जो छूट भी जाएगा वो यहां पर आकर हमसे जरूर सुनेगा, जाते जाते भारत के लिए जीत का नारा हो जाए। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है, इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं, धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुना। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो।